नमस्कार, मैं मोहित शर्मा, न्यूज इंडिया में आपका स्वागत है। आईपीएल धमाके में बात करी जाए तो रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर की शानदार वापसी देखी गई है। यहां पर चार मैच में लगातार चार जीत दर्ज करी हैं। इसके साथ अब वो आठवें पायदान से ऊपर चढ़कर सातवें पायदान पर आ गई है। इस समय रॉयल चैलेंजर बेंगलोर काफी अच्छा परफॉर्मेंस दे रही है और अब की बार उसकी जीत हुई है 17 रनों से। अब की बार उसने किंग इलेवन पंजाब को पहले एक बहुत बड़ा टारगेट दिया, जिसका पीछे करने उतरी किंग इलेवन पंजाब की टीम, बल्लेबाजी करने उतरी और इसको 185 रन ही बना पाई वो, और सामने था टोटल 203 रन का। तो 203 का टारगेट का पीछा नहीं कर पाई। सबसे अच्छा खेले कल जो आरसीबी की टीम से खेले थे वो थे पार्थिव पटेल 43 रन और एबीडी विलियर्स जिन्होंने 82 रन मारे। और अंत में जब पार्थिव पटेल आउट हो गए तो अंत में सब जो रही सही कसर थी वो थी मार्कस स्टोइनिस ने काफ़ी अच्छी दमदार परफॉर्मेंस दी, जिसकी वजह से इतना बड़ा टोटल बना पाई आरसीबी। मार्कस स्टोइनिस ने अपनी पारी में 46 रन मारे। कल कप्तान विराट कोहली 13 रन मारकर जल्दी ही आउट हो गए थे, जिसके बाद इन बल्लेबाजों ने काफ़ी अच्छा प्रदर्शन किया। टोटल टारगेट दिया जो था वो किंग इलेवन पंजाब को 203 रन का मिला। 202 रन पर चार विकेट गंवाए थे आरसीबी ने। इसके जवाब में जब बल्लेबाजी करने उतरी किंग इलेवन पंजाब की टीम, शुरुआत काफ़ी अच्छी हुई। क्रिस गेल काफ़ी अच्छे फॉर्म में लग रहे थे, 10 बॉल में 23 रन मार दिए थे। लग रहा था गेल स्टॉर्म आएगा, लेकिन वो अपना विकेट गवा कर चले गए। उसके बाद लोकेश राहुल ने शानदार 42 रन की पारी खेली, उनका साथ दिया मयंक अग्रवाल ने, उन्होंने 35 रन की पारी खेली। इसके बाद डेविड मिलर आए, उन्होंने 24 रन मारे और निकोलस पूरन जो अंत में आए उन्होंने 46 रन मारे, लेकिन कोई भी अपनी टीम को जीत दिलाने में कामयाब नहीं रहा और उनकी पूरी टीम 185 रन पर 7 विकेट गंवा दिए। 20 ओवर में 185 रन बना पाई, जिसकी वजह से 17 रनों से जीत मिली आरसीबी को और आरसीबी पहली बार आठवें पायदान से उठकर सातवें पायदान पर गई है। अब देखना होगा क्या आरसीबी अभी भी प्लेऑफ की दौड़ में बनी रहेगी, क्या अब की बार आरसीबी लगातार सारे मैच जीतेगी यहाँ से, और अब की बार किंग इलेवन पंजाब को केवल प्लेऑफ में जीतने के लिए सिर्फ 2 जीत की दरकरार है। सिर्फ 2 मैच में 2 जीत। अब देखने वाली बात होगी कि किसका पत्ता लगेगा प्लेऑफ की दौड़ के लिए। ऐसी ही तमाम खबरों के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए आई न्यूज़ इंडिया पर।